उत्तराखंड में सरकारी कर्मियों के लिए दुर्गा पूजा के बाद अच्छी खबर सामने आ सकती है। पिछले लगभग एक वर्ष में प्रोन्नति के लाभ से वंचित रहे सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति देने के लिए फॉर्मूले को तैयार कर लिया गया है। विधानसभा समिति की अनुशंसा पर पिछले वर्ष अक्टूबर महीने से ही कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा समिति ने बाद में अपनी अनुशंसा वापस लेते हुए प्रोन्नति पर लगी रोक हटाने का आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है, लेकिन कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण इस पर निर्णय होने में देरी लगी है। मामले में महाधिवक्ता का परामर्श भी कार्मिक विभाग ने प्राप्त किया है। दरअसल अनुसूचित जनजाति के कर्मियों ने शिकायत की थी कि उनके साथ प्रोन्नति में आरक्षण देने में भेदभाव हो रहा है। कई बार जूनियर कर्मियों को इसका लाभ मिल जा रहा है और सीनियर इससे वंचित रह जाते हैं। शिकायतों के बाद विधानसभा कमेटी ने पड़ताल की तो मामला सही पाया गया और कमेटी ने कड़ा फैसला लेते हुए इस दौरान जितने भी कार्मिक सचिव और मुख्य सचिव रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने तक की अनुशंसा कर दी है। इसके बाद कमेटी की अनुशंसा पर सभी सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया। कर्मचारी संगठनों ने शिकायत की थी कि राज्य कर्मियों के बीच ST और SC कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनसे अधिक प्रोन्नति सामान्य वर्ग के कर्मियों को मिल रही है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।